तो प्रदेश में बढ़ते बर्ड फ्लू के मामलों को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आपात बैठक बुलाई। बैठक में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के साथ आला अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद मंत्री सारंग ने कहा कि सीएम शिवराज ने बर्ड फ्लू को लेकर सभी कलेक्टरों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। फैसला लिया गया कि सभी कलेक्टर अपने अपने जिलों में प्रवासी पक्षियों की मॉनिटरिंग करेंगे, साथ ही पोल्ट्री फार्म की व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि एमपी में मिले पक्षियों में बर्ड फ्लू के लक्षण नहीं पाए गए हैं। केरल के पक्षियों में बर्ड फ्लू सामने आया, जिसके मद्देनजर एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। बर्ड फ्लू को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि सरकार मुस्तैदी के साथ इस पूरे मामले की निगरानी करेगी और जिले के कलेक्टर्स को ये निर्देश दिया है कि रैंडम पोल्ट्री फार्म में सैंपलिंग की जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि ये बर्ड फ्लू किसी भी खाने वाले पक्षी में ना पहुंचे। और ये सुखद बात है कि मध्य प्रदेश में ऐसे कहीं भी खाने वाले पक्षी में इस तरह का बर्ड फ्लू नहीं पहुंचा है। रैंडम चेकिंग की जाएगी, जो पोल्ट्री फार्म के ओनर हैं, जो पशुपालन जो मुर्गी पालन करते हैं उनको रियायत उनको उनके साथ मीटिंग करके उनको ये एहतियात बरतने की निर्देश भी दिए गए हैं। केरल में क्योंकि ऐसी खबरें आई हैं कि बर्ड फ्लू पक्षियों में खाने वाले पक्षियों में फैला है, इसलिए ये सुनिश्चित किया जाएगा कि हम केरल और उसके आसपास के जो भी राज्यों से यदि हमारे यहाँ मुर्गी आती है तो उसकी निगरानी हम करें, निगरानी करके ही वो मध्य प्रदेश में एंटर हो, प्रचार प्रसार जनता के बीच में हो।